हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा वीडियो का क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग राइट नाउ क्या चल रही है। सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, साथ साथ आपके पार्टनर की भी करंट सिचुएशन देखेंगे। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपके लाइफ में या आपके दिल और दिमाग में अभी क्या चल रहा है। इस कनेक्शन को लेकर आप क्या सोच रहे हो, इस कनेक्शन को लेकर तो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो जेमिनाई लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं, उनके सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन। और टेन ऑफ कप्स है यहाँ पर। वाटर एलिमेंट्स भी है, वाटर एनर्जी भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और टू ऑफ कप्स फिर से यहाँ पर जो है वाटर एलिमेंट्स यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स और करेंट सिचुएशन जो है, ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपकी यही चल रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स मीन्स हो सकता है आपका अभी रिसेंट में इस पर्सन से ब्रेकअप हुआ है और आप दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद है। और साथ साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन, आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या ले रहे हैं, जो भी देख रहे हैं। अगर ये मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए रीडिंग है, और फीमेल देख रही हैं तो मेल के लिए रीडिंग है। और इस कनेक्शन को लेकर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर चीज़ों को ले रही हैं, सोच रही हैं इस कनेक्शन को लेकर। और टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इस कनेक्शन में अपने विश फुलफिलमेंट करना चाहती हैं, मीन्स आप इस कनेक्शन में सक्सेस चाहती हैं और चाहती हैं कि जो आपके पर्सन हैं, जो एक जैसा आपने उनको इमोशनल केयरिंग या इमोशनल ये कह सकते हैं इमोशनली जो कुछ आपने दिया, आप उनसे वही रिटर्न की कामना करती हैं, या आप चाहती कि जो प्यार आपने उन्हें दिया वो भी उन आपको उतना ही प्यार करें, या इक्वल गिव एंड टेक आप चाहती हैं। और इस कनेक्शन में आप विश फुलफिलमेंट करना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रेस ले रही हैं और आप दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद है। रिसेंट में ही, कुछ समय पहले ही आपका इस कनेक्शन से ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों का अभी बातचीत बिल्कुल बंद है, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अब आपके पर्सन की मैं करेंट सिचुएशन देखूंगी कि आपके पर्सन की करेंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड है। जिनसे भी आप डील कर रही हैं, या तो आप या वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है। मींस यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और एक कार्ड और निकालूंगी
फिर से यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके कनेक्शन में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपके जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो, और द फूल का कार्ड है। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन जो है वो आपसे जो है फिर से सोच रहे हैं, फिर से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो भी। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए, ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती हैं, और यदि कोई मेल देख रहे हैं और ये फीमेल के लिए रीडिंग है तो ये थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट वो थर्ड पार्टी से अलग नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसकी वजह से जो है वो आपसे फिर से नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वो अपनी जो वाइफ हो उनसे डाइवोर्स लेना चाहते हो, बट वो उनको नहीं दे रही हूँ, इस कारण से ये जो पर्सन है आपसे फिर से जो है न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग करना। अब हम देखेंगे कि इन पर्सन की आपकी करेंट फीलिंग अभी राइट नाउ क्या चल रही है, आपकी इस कनेक्शन को लेकर करेंट फीलिंग क्या चल रही है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मीन्स जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो सेजिटेरियस हो सकते हैं। और एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी जो करेंट फीलिंग जो है वो यही चल रही है कि आप जो हैं इस कनेक्शन में ऐसा फील करती हैं, आपको ये कनेक्शन जो है एज अ फैमिली दिखाई देता है, और एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और आप इनको अपनी डेस्टिनी समझती हैं। और हो सकता है आपको बहुत सारे प्रपोजल आते हों, आपको बहुत सारे ऑफर्स आते हों फ्रेंडशिप के, बट यू कांट एक्सेप्ट दैट। तुम उन आप जो हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है जजमेंट का कार्ड है, और स्कॉर्पियो एनर्जी है, और एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आप जो है इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग चाहती हैं, जजमेंट चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इस कनेक्शन में कोई डिसीजन निकले, क्योंकि हो सकता है आप अनमैरिड हैं और ये जो पर्सन है वो मैरिड है, और इनके कारण हो सकता है आपको मैरिज के शादी के कुछ ऑफर्स फैमिली की तरफ से भी आते हों, आपको भी सामने रहकर लोग प्रपोज करते हैं, बट आप जो हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक जो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, मीन्स आप इस कनेक्शन से वॉक अवे नहीं कर पा रही हैं, और हो आप चाहती हैं इस कनेक्शन में कोई न्यू बिगनिंग हो, कुछ डिसीजन चाहती हैं, बट ये डिसीजन जो है वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो मैरिड पर्सन है, और इतनी जल्दी उनका जो है वो डाइवोर्स नहीं हो सकता। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाने की इस कनेक्शन में कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एडजस्ट करा इस कनेक्शन को लेकर, बट यहाँ पर चीज़ें जो है वो सही होती नहीं दिखाई दे रही हैं।
मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रही हैं इस कनेक्शन को लेकर। आप चाहती हैं किसी ना किसी तरह से इस कनेक्शन में इस कनेक्शन को फिर से पाना चाहती हैं, या आप ये चाहती हैं मैनिफेस्ट करें आप इस कनेक्शन को लेकर। आप चाहती हैं कि कनेक्शन में फिर से कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई नई शुरुआत हो, बट यहाँ पर चीज़ों जो है थर्ड पार्टी की वजह से सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। टेन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, मैंने आपको कहा था फैमिली इश्यूज हैं और टेन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मीन्स आप फैमिली हो सकता है, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हो इस कनेक्शन को लेकर के कुछ, या तो तुम हमारी मर्ज़ी से शादी करो या फिर उस उनसे बोलो कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दें और आपसे कमिटमेंट करें इस रिलेशनशिप को लेकर। तो इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर चल रही है। अब हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर। द मैजिशियन का कार्ड है, वेरी नाइस। आपका भी जो देखा जाए तो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है। और ये पर्सन हो सकता है जेमिनाई या एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। और एट ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, ये भी जो हैं दोनों की सेम फीलिंग्स आ रही हैं। मीन्स ये भी आपको के कनेक्शन में मीन्स इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपको लेकर कि ये भी जो हैं वो चीज़ों को नहीं देख रहे हैं और ये भी चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना और इस कनेक्शन को लेकर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सब कुछ सेटल करना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं। और स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है और वाटर एनर्जी भी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। और बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर होप है उनको और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं इस कनेक्शन को लेकर। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं जल्दी, बट ये जो पर्सन है और एस ऑफ पेंटिकल्स वेरी पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो ये पर्सन भी आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पर्सन जो है इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से लेकर इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन भी चाहते हैं, वेट कर रहे हैं और कुछ जजमेंट ये पर्सन भी चाहते हैं, बट यहाँ पर वही थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनको छोड़ना नहीं चाह रही हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है
कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। एक कार्ड हम और निकालेंगे यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी इसी वजह से, और पेशनेट बहुत है आपको लेकर और बहुत ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, बट यहाँ पर डिसीजन कुछ उनको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थी रीडिंग आपकी और आपके पर्सन की, और यहाँ पे मैं गाइडेंस को लेकर कुछ और कार्ड भी देखूँगी, गाइडेंस कार्ड कुछ और कार्ड भी निकालूँगी इस कनेक्शन को लेकर, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। मैं म्यूचुअल गाइडेंस निकालूंगी दोनों के लिए कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहती है। तो न्यू वाइटलिटी, आप अपने अंदर एक न्यू वाइटलिटी मींस हो सकता है आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है, अपनी एनर्जी को हाई रखना है, और ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है दोनों का, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। और आपको अपने जो भी विजन है, आपके अंदर जो भी इच्छा है उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई रखना है। यहाँ पर बेस चक्रा, आपको यहाँ पर दोनों को ही बेस चक्रा जो है उसको एक्टिवेट करना है दोनों के बेस। हो सकता है आप या आपके पार्टनर का बेस चक्रा जो हो वो ब्लॉक हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जजमेंट होने में दिक्कत आ रही है, और मूविंग ऑन का कार्ड आया है। प्लीज गॉड क्लैरिफाई द दिस कार्ड, मूविंग ऑन कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए गॉड। तो ब्लॉसम, तो आपकी लाइफ में जो है वो ब्लॉसम हो रही है इस कनेक्शन को लेकर, ब्लॉसमिंग हो रही है। तो यहाँ पर डिवाइन जो है वो यही कह रहा है कि दोनों को मूव ऑन नहीं करना है, और ये कनेक्शन जो है वो एक दूसरे के लिए ही बना है। और देखूंगी मैं और क्या कार्ड है। लव, वेरी पॉजिटिव कार्ड, आप दोनों, ये लवर्स का कार्ड फिर से आ गया, मीन्स आप दोनों का जो है वो सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, और ये कनेक्शन जो है यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स आया था, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया है, मीन्स ये कनेक्शन जो है वो डिवाइन ने या ऊपर वाले ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएँ, अपने एनर्जी को हाई रखें और पॉजिटिव रहें, और मैनिफेस्ट करें जो भी आप इस कनेक्शन को लेकर चाहती हैं। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो फ्लो का कार्ड आया है, मींस आप फ्लो में जाने दें, जो कुछ हो रहा है उसको फ्लो में होने दें,
उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें दोनों ही। और अगर डिवाइन ने कनेक्शन रिफ्यूजिंग टू सी, और अगर ये डिवाइन ने कनेक्शन आपके लिए बनाया होगा तो ये कनेक्शन ज़रूर, मुझे तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है तो यूनियन तो होगा ही, यूनियन होने में मींस यूनियन तो होकर ही रहेगा, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक कार्ड और निकालूंगी, इसलिए जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जो कार्ड है लव अबाउंड्स, मींस लव जो है ये जो है आपका जो है इन पर्सन से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए अपनी एनर्जी को लो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी रीडिंग आपकी, आई होप रिजोनेट करे, अगर रिजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए। ओम साईं राम, हैव अ नाइस डे।